अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक रानीस किचन। कैसे है आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ आप लोग खुश रहे, आबाद रहे। आज हम बनाएंगे, ये कौन सा फ्लावर है? ये फ्लावर देखने से एक ही मूवी का याद आता है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ये सरसों का फूल है, हम इसी से नाश्ता बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं, पहले इसको धो लेते हैं अच्छा से। हम नमक पानी में भिगो के रखेंगे आधा घंटा, फिर हम आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने सरसों का फूल मैंने ले लिया, अच्छा से धो लिया और अभी हम स्वाद अनुसार नमक डाल दिया। तो अच्छा से हम इसको इस तरह मैश करेंगे। अच्छे से हमने मैश कर लिया, देखिए कितना कम हो गया। अभी थोड़ी देर हम ऐसे ही रख देंगे, सॉफ्ट हो जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया, 3 चम्मच हम बेसन डाल देते हैं। यहाँ पर हमने चावल का पाउडर लिया 1 कप, वो भी हमने डाल दिया। थोड़ा सा हमने हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा जीरा का पाउडर। अब इसमें जाएगा प्याज और थोड़ा सा हरा मिर्ची। अब इसको अच्छा से हम मसलेंगे, जितना हाथों में दम है उसी हिसाब से हम आज इसको मसलेंगे। बाहर बहुत ही सर्दियाँ है तो थोड़ा सा चटपटा खाने के लिए मन हो रहा है, इसीलिए सरसों का फूल भी था तो मैंने सोचा कुछ पकौड़ा टाइप का बना लूं। इसमें थोड़ा सा चावल का पाउडर और चाहिए। देखिए कितना अच्छा से प्याज एकदम खिला खिला सा दिख रहा है, ऐसे ही रहेंगे ये। थोड़ा सा मैं और चावल का पाउडर डाल देती हूँ, 2 चम्मच चावल का पाउडर मैं ज़्यादा लिया। इस तरह होंगे तो अब चलिए गैस की ओर। गैस पर मैंने कढ़ाई रख दी, 1.5 कप ऑयल डाल दिया मैंने, बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं कम भी नहीं। तो इसको गर्म होने देते हैं। हमारा अच्छा से गर्म हो गया, हम अभी एक एक करके डाल देते हैं। तब तक आप लोगों को याद दिला दूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अच्छा लगे तो। मैं इसी तरह एक एक करके डाल दूँगी, 1-2 मिनट तक पकाऊँगी। यहाँ पर काम हो रहा है, आवाज़ आ रहे होंगे आप लोगों को, इग्नोर करना प्लीज़। अभी नहीं पलटाएंगे, 1.5 मिनट के बाद हम पलटाएंगे इसको। अब मैं पलटाऊंगी, इसी तरह 1-1.5 मिनट करके हम पकाएंगे। हरा भरा कितना सुंदर दिख रहा है। इस तरफ भी हम 1.5 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे, गैस मेरा मीडियम पर है। फिर से हम पलटा देते हैं, एकदम खस्ता कुरकुरे जैसे होंगे तभी हम इसको निकाल दूंगी और थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे। ये बन के रेडी हो गया, नाश्ता को हो, पकौड़ी को हो, कुछ भी को हो, और कितना सुंदर दिखता है। हम इसको निकाल लेते हैं, फिर से हम डाल देते हैं पकौड़ी के शेप में, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके। तब तक आप लोगों को फिर से याद दिला दूँ, प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरह मैं पूरा बना लेती हूँ। अब इसको हम पलटा देते हैं, इसी तरह हम पलटा लेते हैं। इस तरफ भी मैं 2 मिनट पका लूँगी। देखिए मैं ये खा भी लिया, इतना टेस्टी होता है ये, बनाते बनाते मुंह में ही चला जाता है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। मेरा पूरा नाश्ता बन के रेडी हो गया, मैं अब निकाल के दिखाती हूँ। लीजिए मेरा नाश्ता स्नैक्स तैयार है, कितना सुंदर दिख रहा है, हरा हरा। तो ये बहुत ही टेस्टी होता है सरसों का फूल से बनाने में।
बहुत ही टेस्टी होता है। मैंने तो एक खा भी लिया। कैसा लगा ये रेसिपी? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना, दुआ में याद रखना। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़। आज हम इसको चाय के साथ खाएंगे क्योंकि बहुत सर्दियाँ है।